दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि आज 12 मार्च के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, वो दांडी मार्च जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। आज उसी 12 मार्च को इस देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी, इसमें जुड़े हुए किसान, किसानों के परिवार और किसानों के हितैषी मिलके ऐसी ही एक शुरुआत कर रहे हैं। पंजाबी में बोड़ी बोलते हो ना आप, इसे शुरुआत, बिल्कुल एक शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए, दांडी मार्च में कोई लाखों लोग नहीं गए थे, कुछ सैकड़ों लोग ही थे वहां, तो जिन्होंने सिर्फ नमक उठा के और अंग्रेजी राज को हिला दिया था। आज जो कलकत्ता में शुरुआत हुई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज को नहीं, उस राज को कठपुतली की तरह नचाने वाले जो कॉरपोरेट है उन सबको चुनौती देगा, उनकी बुनियाद को हिलाने की शुरुआत करेगा। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पंजाब, याद रखिए अंग्रेजों के जमाने का जो पंजाब था उसमें हरियाणा भी शामिल था, उसमें हिमाचल भी शामिल था, कि पंजाब और बंगाल का संगम जिसने इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी, वही संगम आज फिर हम इस मंच पे देख रहे हैं, यहां कोलकाता में देख रहे हैं। इसलिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक अपील लेके आए, बंगाल की जनता से, बंगाल के वोटर से बस एक अपील करने आए हैं, बीजेपी को सजा दो, बीजेपी को शिक्षा दो, बीजेपी को ऐसी सीख दो जो बीजेपी भी ना भूले और आगे से कोई गद्दी कुर्सी पे बैठे तो वो भी ना भूले इस बात को कि किसानों से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने हिमाकत की है वो तीन कानून लाने की, जिसके बारे में हमारे सीनियर नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी बोल चुके हैं और मुझे नहीं लगता इस मंच से अब किसी को उस बातों को दोहराने की जरूरत है। वो तीन किसान विरोधी काले कानून लाने की हिमाकत जिस पार्टी ने की है उसको सजा दो। किसानों को गाली जिसने दी है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दलाल, इसके दलाल, उसके दलाल, कमीशन एजेंट, किसानों को गाली देने वाले और बदनाम करने वालों को सजा दो, किसानों पे दमन करने वालों को सजा दो। इन्होंने आंसू गैस चलवाई, इन्होंने वाटर कैनन चलवाए और आज सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे इतना वायरिंग और कांटे लगा रखे हैं जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी नहीं है, उतने इन्होंने लगा रखे हैं। किसान को दुश्मन बताने वालों को सजा दो। लोग पूछते हैं सजा देने के लिए चुनाव के टाइम आप क्यों आए हो? मैं कहता हूं इनको इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। बीजेपी से कहो, राजेवाल जी हमारे नेता कह कह के थक गए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है ये कानून बनाने की। बीजेपी कहती है लेकिन हमारे पास संसद में 303 सीट है, हम तो बनाएंगे। इनसे कहो कि ये तीन कानून किसान विरोधी है, तुमने किस किसान से पूछ के बनाए? तो ये कहते हैं हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमने चुनाव जीता है, हमें पता है किसान के हित में क्या है। इनसे कहो कि 100 दिन से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, जरा उसे देख तो लो। ये कहते हैं हमें देखने की जरूरत नहीं, हम गुजरात में
चुनाव जीत चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की भाषा समझते हैं, इसलिए किसान ने कहा कि तुम सिर्फ चुनाव, वोट, सीट ये बात समझते हो, तो आओ हम भी तुम्हें इसी भाषा में समझा दें। मजबूरी में हमें भाषा अपनानी पड़ी है। हमारी कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ एक बात कहने आए हैं, इन्हें सच झूठ की भाषा समझ नहीं आती, नैतिकता की भाषा समझ नहीं आती, दया और इंसानियत की भाषा समझ नहीं आती, इनको सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है, इसलिए हम वोट की चोट देने यहाँ पे आए हैं। और कोई हमारा मकसद नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है। और मैं चाहता हूं 2 मई को जब चुनाव का परिणाम आए, जो जीते जो हारे, उस दिन शाम को हमारे टेलीविजन के साथी कह रहे हो ये किसान से पंगा लेना तो मोदी जी के लिए भारी पड़ गया, ये करना, ये संदेश देना आज बंगाल के किसान के हाथ में है। तो मैं आप सबके माध्यम से बंगाल के किसान को कहना चाहता हूँ, हमने एक चिट्ठी बना के भेजी है बंगाल के किसान के लिए, वो चिट्ठी गांव गांव में पहुंचाना हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन जिसको भी चिट्ठी मिले वो आगे पहुंचाए, वो कोने कोने तक पहुंचाए, और बंगाल का किसान इनसे हर गांव में सवाल पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसान के साथ पंगा लेने की। और अगर ये हो गया तो मैं नहीं जानता कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, लेकिन किसान जीतेगा इस देश में, यही हमें चाहिए। तो मिलके बोलिए किसान एकता, और जिन्हें इस किसान इस चुनाव में किसान को जिताना है वो बोलिएगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिस जिसने किसान को जिताना है वो बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी।